मेट्रोनॉमी की आने वाली एपिसोड्स में आप देखेंगे, जैद के साथ आयरा को देखते ही उसके डैड काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। तुम होश में तो हो? मुबशा की हालत के बारे में तुम अच्छी तरह से जानते हो। वो किसी सूरत पर इस बात को कबूल नहीं कर सकती कि तुम उसके होते हुए किसी और लड़की से मिलना शुरू कर दो। डैड, जो आपने आयरा और उसके घर वालों के साथ किया है ना, इस सबके बाद मैं आपसे बात भी नहीं करना चाहता। तुम्हें तो इस लड़की ने पागल कर दिया है। पता नहीं क्या घोल के पिला दिया है तुम्हें कि तुम अपने डैड से इस तरह पेश आ रही हो। डैड, जो आपने आयरा और उसके घर वालों के साथ किया है, उसके पीछे गुंडे लगवा कर उसके घर अजनबी लड़कों को बेचकर बाइक को जॉब से निकलवा कर, क्या सब के बारे में मुझे मालूम नहीं होगा? उसके डैड तो हैरान रह जाते हैं। उन्हें मालूम नहीं था कि आयरा इस सब के बारे में साथ कुपता देगी। तो मेरी बात समझ में नहीं रही। ऐसी लड़कियों को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। ये तुम्हें मेरे खिलाफ करना चाहती है, इसकी बातों में मत आना अभी और इसी वक्त इसे छोड़ दो। मुबशा तुम्हारे लिए बेहतरीन चॉइस है। डैड, मैं मुबशा के बारे में एक लफ्ज भी नहीं सुनूंगा। आपको क्या लगता है कि आपके कहने पर मैं मुबशा को अपनी जिंदगी में रखने के लिए तैयार हो जाऊंगा? मैं उससे किसी सूरत पर कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। मैं आयरा से दूसरी शादी करना चाहता हूँ। उसके डैड तो हैरान रह जाते हैं क्योंकि उन्हें अंदाजा नहीं था कि जैद अचानक इतना बड़ा फैसला कर लेगा। वो तो किसी सूरत पर इस बात के लिए रजामंद ही नहीं होते। आने वाली एपिसोड्स काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही हैं।